आपण पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल। नमस्कार, मैं पर्वतराज सुरोहित, आप देख रहे हैं भारतीय जनमत न्यूज। आइए जानते हैं मुख्य खबर। आज हम बात करेंगे ठाणे पुलिस की एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की, जिसमें संगीता खान, जिसे नगमा भी कहा जाता है, वो गिरफ्तार किया गया है। ठाणे पुलिस ने संगीता खान को 3 दिन की गहन पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। थाने कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी से पहले की पूछताछ जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। संगीता खान पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर पासपोर्ट प्राप्त किया और पाकिस्तान जाकर बाबर बशीर अहमद से शादी की। संगीता 17 जुलाई को अटारी बॉर्डर के रास्ते से भारत लौटी और दिल्ली में कुछ समय रुकी। उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन में अपनी माँ की बीमारी के कारण जल्दी लौटने की जानकारी दी। 22 जुलाई को जब संगीता अपने घर लौटी तो वर्तक नगर पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया। जांच के दौरान पता चला कि संगीता ने 2015 में अपने आधार कार्ड पर नाम बदलकर फर्जी दस्तावेज बनाए। उन्होंने जाली आधार कार्ड और पैन कार्ड, साथ ही अपनी बेटियों के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए और इन दस्तावेजों का उपयोग करके पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और पुलिस वेरिफिकेशन को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मामले में आरोपी संगीता खान पर भारतीय पासपोर्ट एक्ट और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराएं 465, 468, 471, 419, 420 और 34 के तहत आरोप लगाए गए हैं। संपूर्ण मामले की जांच वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आरडी वाक्चेवरे के नेतृत्व में की जा रही है। मामले की गहराई में जाने के लिए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर एमके कोकरे और अन्य अधिकारियों श्री मानिक होलकर, श्री शैलेंद्र सिंह और श्री गुगे भी शामिल है।